जो संगठन के विस्तार के लिए, संगठन को निचली इकाई पर खड़ा करने के लिए बूथ स्तर तक के मेरा प्रयास रहा है, और हम सबों के नेता भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम में विश्वास करते हैं। उनका मूल मंत्र ही यही है, काम करेंगे आने वाले समय में, और निश्चित रूप से जो समय है 2024 और 2025 जो हमारा मिशन है, सब लोग मिलजुल के उस मिशन को कामयाब, वो सब सबने फैसला ले लिया है। जो परिणाम आया है विगत चुनाव का 2020 का, उस परिणाम को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, अवसर में बदलने का फैसला लिया है। आने वाला जो 2024 लोकसभा 2025 विधानसभा, उसमें हम सबसे आगे एक नंबर पर रहेंगे, और पार्टी को जो आना समय रहेगा वो हमारा रहेगा। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भातला भी देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। सियासी गलियारों में इस बात की खबर चल रही है कि उमेश कुशवाहा जी को अब चैन की नींद आ गई होगी, क्या लगता है सर, नींद में आ गए हैं आप भी, चैन ले रहे हैं? देखिए, चैन का नींद क्या लेंगे जी? हम काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं जी। संगठन की अहम जिम्मेवारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। जब से हमें जिम्मेवारी मिला है, तब से अपने जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ जी। आपको मालूम है कि लगातार संगठन के मजबूती के लिए, जो संगठन के विस्तार के लिए, संगठन को निचली इकाई पर खड़ा करने के लिए बूथ स्तर तक के जी मेरा प्रयास रहा है, और हम सबों के नेता भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम में विश्वास करते हैं। उनका मूल मंत्र ही यही है, न्याय के साथ सबों का विकास, समाज के हर तबके का विकास, जन सेवा, जनता का सेवा जी। और पार्टी भी उन्हीं के नीति सिद्धांत पर, उन्हीं के विचार पर आगे बढ़ रही है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आप भी शामिल थे, आप बैठक के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम कुशवाहा समाज से ही आते हैं, आपके ही समाज से आते हैं, उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो पद की रेस में सबसे आगे चल रहा था, अंततः नाम छट गया, ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, कैसा लग रहा है? देखिए, हम सब के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जी, और पार्टी एक विचार करके, राय विचार करके किसी की जिम्मेवारी देती है। समाज के हर तबके के लोगों को एक साथ एक सूत्र में बांधकर पार्टी चल रही है, और उसी में आप जानते हैं कि हम लोग के पार्टी के नेता ललन बाबू को एक अहम माने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े लीडर हैं, दल में आए हैं, उन्हें भी जिम्मेवारी दी गई है, और निश्चित रूप से वो हमारे के पार्टी के बड़े लीडर हैं। उनके आने से भी हमारे संगठन में, पार्टी में बहुत मजबूत हो रहा है, और सब लोग एक साथ एक सूत्र में बंध कर चल रहे हैं, और पूरा मजबूती के साथ सब लोग काम करेंगे आने वाले समय में। और निश्चित रूप से जो समय है 2024 और 2025 जो हमारा मिशन है, सब लोग मिलजुल के उस मिशन को कामयाब करेंगे। जदयू का एक इतिहास रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, अब तो ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो उपेंद्र कुशवाहा जी की ये कुर्सी भी चली जाएगी क्या? नहीं नहीं, इसमें तो आप जानते हैं कि अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक था, बैठक में निर्णय लिया गया है, पारित किया गया है जी। माने जो हमारा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के लिए जो धारा है, उस धारा में संशोधन किया गया है, और उनको दायित्व दिया गया है, जिम्मेवारी दी गई है, उसमें संशोधन किया गया है, और भी बहुत सारे जो है जनगणना, जनसंख्या आधारित जनगणना हो, माने जातीय जनगणना हो, और भी जो हमारे पार्टी का जो है हर बहुत सारे विचार जो आया है विषय, सभी विषय पर चर्चा संगठन के मजबूती पर हुआ है। नीतीश सरकार में भी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, कुशवाहा समाज से ही आते हैं, उन्होंने कहा है नीतीश कुमार जी बीजेपी के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने हैं, पीएम मटेरियल जदयू के हो सकते हैं बीजेपी के नहीं। देखिए, लोगों का अलग अलग विचार है, अलग अलग अपने सूझ है जी, लेकिन आप देखते हैं कि ये जनता बनाती है मुख्यमंत्री, और जनता ने बहुमत दिया है, जनता ने अब देख रहे हैं कि ऐसे मोड़ पर लाया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त किया है जी। और उन्हीं का नतीजा है कि हम लोग चौथी बार सत्ता पर काबिज है जी। और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी सकारात्मक सोच रखे हैं, और सकारात्मक सोच के साथ पूरे संगठन पूरे मजबूती के साथ चल रहे हैं। आने वाला जो समय है जी, उस समय में जनता दल ही सबसे आगे रहेगा, जनता दल ही सबसे आगे रहेगा। 115 सीट पर कभी रहते थे, 43 सीट पर आ गए।
देखिए एक चुनाव है, चुनाव में तो हार जीत लगी रहती है, समझे, कभी मौका मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि जो भ्रम, हम तो आप मालूम है कि अब मैंने लगातार बिहार का दौरा चल रहा है और दौरा में जिलावार जिला दौरा कर रहे हैं, और मेरा 3 तारीख से भी, 3 अगस्त से भी मेरा दौरा है जहानाबाद, गया और अरवल में। वहाँ के कार्यकारिणी की बैठक में हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होते हैं। उसके बाद जहाँ हमारा जो अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है, किसी कारण हम चूक किए हैं, चूक गए हैं, वहाँ के जनता से सीधा सवाल वहाँ के लोगों को जानने जा रहे हैं कि उनमें क्या भ्रम फैल गया हमारे पार्टी के प्रति, हमारे नेता के प्रति, जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन 15-16 वर्षों में जब बिहार की इतनी ऊंचाई दी, देश दुनिया के नक्शे पर खड़ा है बिहार, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब बिहार में विकास की हम चर्चा करें तो बिहार की गाथा लिखा गया, विकास की गाथा लिखा गया है, इस पर हम क्या बोलें, ये तो आप सब लोग जानते हैं। और इस पर क्या नहीं हुआ है, मानव के हर स्तर की मानवीय आवश्यकता सब चीज़ को पूरा किया गया है, विकास का एक लकीर, लंबी लकीर खींची गई है, नहीं तो हम जानने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आने वाला समय है, लोगों का भावना जान रहे हैं, निचली इकाई को, संगठन को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, और जो उत्साह प्रेम लोगों में जो जुनून देख रहे हैं, एक नई उत्साह जुनून के साथ, और पूरे हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जनता है, वो सब ने फैसला ले लिया है। जो परिणाम आया है विगत चुनाव का 2020 का, उस परिणाम को, चुनौती को में स्वीकार किया है, अवसर में बदलने का फैसला लिया है। आने वाला जो 2024 लोकसभा, 2025 विधानसभा, उसमें हम सबसे आगे एक नंबर पर रहेंगे, और पार्टी को जो आना समय रहेगा वो हमारा रहेगा। जी, पार्टी को आप भी जदयू को नंबर वन बनाने का संकल्प आप भी लेकर के घूम रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी लेकर के घूम रहे हैं। देखिए नंबर वन में हम पहले भी थे, जी आज भी हैं, जी आगे भी रहेंगे। संगठन हमारा पूरे मजबूती के साथ निचली इकाई पर खड़ा है। एक संजोग है कि हमारा परिणाम बेहतर नहीं आया, लेकिन उस परिणाम को हम अवसर में बदलने का संकल्प लिया है। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।